नमस्कार मित्रों, संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आभ्यंतर प्रयत्न जाने। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यदि आपने पहले वीडियो को हमारा नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, और हमारी यदि आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर दें, जिससे कि क्रमशः आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं हम बाह्य प्रयत्न की ओर। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ग्यारह प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, फिर बाद में समझाऊंगा इनको अच्छे से। इसके बारे में श्लोक तो नहीं है, लेकिन श्लोक की तरह ये बन जाता है। संस्कृत ज़्यादातर जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि श्लोक ही है, तो लिख देता हूँ मैं। वार संवार श्वासो श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणः अल्पप्राणो महाप्राणः महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण उदात्तो अनुदात्तस् अनुदात्तः उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति। इसको बोलने में बड़ा रस मिलता है, हालांकि ये श्लोक नहीं है। विवार संवार श्वासो नादो घोष अघोषो विवार संवार श्वासो नादो घोष अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्ता स्वरतश्चेति। इस प्रकार से 11 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं इनको यहाँ एक व्यवस्था के अंतर्गत पूरी चीज़ें लिख देता हूँ, कौन से में क्या आएगा, व्यवहार में क्या आएगा, सम्मान का, फिर बाद में समझाऊंगा। तो इसमें ले लेते हैं हम खरो गारा संवार अघोषश्च द्वारा संभारा घोषश्च आशा। इसमें संभार नहीं आएगा, इसमें आएगा श्वास। विवार श्वास अघोषश्च श्वासा, इसमें आएगा संवारा नादो या नादा, जो भी करना चाहें, घोषश्च। तो हमारी 6 हो गए ऊपर के। अब बचते हैं अल्प प्राण महाप्राण। इसके लिए कहा गया है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प यणश्च अल्प प्राणः। दूसरा ऐसे ही कह रहा है ये भी, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महा प्राण।
अब मैं यहाँ एक चार्ट बनाऊंगा, उसके अनुसार आपको दर्शाऊंगा कि इसको कैसे हम विभक्त कर सकते हैं। इनमें जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ये सिर्फ स्वरों के होते हैं। हमारे स्वर कितने हैं? अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं, 9 अक्षर आते हैं, उन्हीं को हम स्वर बोलते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो हैं वो सिर्फ अचों के हैं। ये जो बचे विवार, संवार, श्वास, नाद, ये बाद बाकी जितने भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो बचे हैं उनका ही विभाग करना है यहाँ पर। तो मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पहले वाले देख लेते हैं हम। पहला वाला कह रहा है विवार, अब मैं इसको सही से लिखूंगा, विवार, श्वास और आघोष, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि समझ में आसानी से आ जाए इसको ऐसे। अगला है संवार, नाद और घोष। ये है अल्प प्राण। अगला है महाप्राण। फिर है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक। अब विवार, श्वास और अघोष, ये खर प्रत्याहार है। खरो विवार श्वासा घोष अघोषश्च, तीनों किसमें बोले जाएंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। विवार, श्वास और अघोष, खर यदि प्रत्याहार हम जान जाएं, जानेंगे कैसे? तो माहेश्वर सूत्र यदि हमें याद होंगे तो प्रत्याहार आराम से बना सकते हैं। हमने इनको समझाया है, पहले भी समझाया है। तो खर में कौन कौन से आएंगे? ख फ छ ठ थ चट तव कपय शससा, क्योंकि रा नहीं लेंगे अंतिम, तो शससा होता है ना, तो रा छोड़ करके शससा बचेगा। एक तो तरीका है इसका, बहुत सरल तरीका, कि हम इनको याद कर लें। खर प्रत्याहार ऐसे ही हश प्रत्याहार है, ये हश प्रत्याहार है। हय वर लण यमंगणनम झवाएं घट दश चब गढ़ दश, ये सारे जितने भी इन सूत्रों में वर्ण आएंगे वो हश प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, और उनका उच्चारण स्थान संवार कहलाएंगे, वो नाद कहलाएंगे और घोष कहलाएंगे। दूसरा तरीका और यहां मैं बताई देता हूं, यदि ये प्रत्याहार बाय द वे ना याद रहे, भूल जाए किसी कारणवश, तो हम प्रथम जो वर्ग हैं, जो स्पर्श व्यंजन समझाए थे, अगर वो याद हैं, पांचों वर्ग याद हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो प्रथम और द्वितीय अक्षर इसमें लिए जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर इसमें लिया जाता है। मैं लिख देता हूं इससे समझ में आ जाएगा। का खा टाठा ताथा पाफा। अब मैंने इसमें बताया था प्रथम द्वितीय, का खा चाछा टाठा ताथा पाफा, हो गया। अब इसमें आ जाएंगे बाकी जो बचे तीन, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। का खा के बाद में का खा गा घा ना, फिर चाचा जा झा या, फिर टाठा डा ढा ना, फिर ताथा दा धा ना, फिर पाफा बा भा मा। ये सरल तरीका हो सकता है एक, इसमें याद रखें हम प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, और इसमें बाद बाकी जो बचते हैं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। अब एक चीज और बचती है इसमें, क्योंकि मैंने बताया था ख फ छ ठ थ चट तव क प श स,
जो रह गया है वो इसमें आ जाएगा, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि हम प्रत्याहार याद कर लें तो बहुत ही सरल हो जाता है। श श स, इसमें ह या वर्ण रह गया पूरा, तो इसमें पूरा लिख लेते हैं हम, ह या वा रा और ला। इसमें ह वर्ण ये जो या वा रा ला हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन भी जानते हैं या यण कहते हैं। श श स को हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी रखते हैं। इसमें आगे देखेंगे अब हम अल्प प्राण और महाप्राण को और जान लें। प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, अर्थात वर्ग का वही वर्ग हैं, जैसे वर्ग यहाँ पे क्या रहते हैं हम एक दो बाद बाकी तीन इधर, का वर्ग च वर्ग ट वर्ग, यहाँ मैं लिख दूँ समझ में आता चले जाएगा। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, अब ये हमारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एकदम पता चलता रहेगा कि किस वर्ग की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ यही वर्ग हुआ था काखा का, इससे अलग है ये याद रखना। ये मैंने केवल वर्ग के लिए विभक्त किया है, ये लाइन इसलिए कर दी है मैंने जिससे आपको याद रहे। ये अलग है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख लिया है, इसको आप वैसे मत लेना, समझना। तो इसमें क वर्ग में पहला और दूसरा इसमें ले लिया, बाकी इसमें ले लिया। अब इसमें आते हैं हम वर्गाणाम, यानी वर्ग यही चलेंगे जब हम स्पर्श व्यंजन याद कर लेंगे। जो स्वर की प्रक्रिया हमने शुरू में बताई थी, जो व्यंजनों को व्यक्त किया था, यदि वो याद है आपको तो इनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्प प्राण और महाप्राण इनको क्यों बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, पहले वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो कह रहा है कि वर्ग का यानी क वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर इसमें अल्प प्राण में आएगा, तो इसको लिख लेते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण में आएगा, तो इसको हम लिखते चले जाएं। जैसे क वर्ग है तो का इसमें लिख लेंगे, पहला हो गया, द्वितीय इसमें लिख दो खा, फिर गा इसमें लिख लो, फिर चतुर्थ इसमें लिख लो घा, का खा गा घा और ना पंचम, ये आ गया। ये बहुत सरल तरीका, इससे भी याद कर सकते हैं। प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ठीक है। अगला लेते हैं चवर्ग में, चा यहाँ लिख लेंगे, छा जा झा या, फिर आएगा टवर्ग, टा ठा डा ढा णा, फिर आएगा तवर्ग, ता था दा धा ना पा हा बा भा मा। इस तरह से इसे विभक्त कर सकते हैं हम। प्रथम तृतीय पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण कहलाता है, द्वितीय चतुर्थ वर्ग वर्ण प्रत्येक वर्ग का महाप्राण कहलाता है। इसमें एक चीज और बच रही है, यण यणश्च अल्प प्राण, यणस यण में क्या आता है बताया है, यण प्रत्याहार या वारा ला, प्रत्याहार तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, या वारा ला, ये चार अक्षर और इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं अल्प प्राण में। इनको हम अंतस्थ भी बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूं। शलश्च महाप्राण, शल और बचा इसमें, इसको लिख लेते हैं शल प्रत्याहार को, शा शा सा और हा। इस तरह से हम देखते हैं प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण, प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण इसमें आ गए अल्प प्राण में, और द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण दूसरा और चतुर्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, और शल प्रत्याहार में आने वाले व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आए। उदात अनुदात स्वरित को हम पहले ही बता चुके हैं, ये स्वरों का होता है, तो हम यहाँ सारे जितने भी स्वर हैं अच हैं उनको लिख लेते हैं, आ ई उ रिर लिर ए ओ आई
और औ। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि यह विषय एक ध्वनि विज्ञान का है, परंतु यहाँ थोड़ी सी जानकारी के लिए, जिससे कि आपका व्याकरण का बेस मजबूत हो सके, आधार मजबूत हो सके, उसकी व्यवस्था की है। तो यहाँ विवार जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य होता है विकास्यति विवार्यति इति विवारः, अर्थात जिसको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में मुख को विकसित किया यानी फैलाया जाए, तो वो विवार के अंतर्गत आते हैं। का खा, हालांकि सब में बोला जाता है, लेकिन इसकी ये परिभाषा है। श्वास, जिनको बोलने में श्वास चलने लग जाए। अब इसमें शासासा में तो पता चलता है शासासा के श्वास चलती है, लेकिन अब इनका प्रयोग करेंगे तो थोड़ी सी असमंजस की व्यवस्था है, लेकिन हमको ये मानना चाहिए। अघोष, अघोष का सीधा तात्पर्य है श्वास चले और विवार भी यानी मुख का खुलना भी हो, परंतु घोष ना हो। घोष का मतलब होता है एक तरह से आवाज से ही लगाया जाता है, तो वो घोष ना हो। तो क ख च छ ट ठ, ये सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं। संवार, नाद और घोष। नाद का जो प्रयोग किया जाता है, नाद का मतलब होता है गंभीर ध्वनि, जिनको बोलने से गंभीर ध्वनि निकलती है वो नाद हैं। और घोष का भी वही बात है, घोष का मतलब होता है जो थोड़ा सा उच्चारण करते समय आवाज करे, अर्थात घोष करे, वह ये अक्षर कहलाते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का तात्पर्य तो होता है, प्राण मानी होती है वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में प्रयोग की जाती है वो अल्प प्राण, जैसे क ग ज, इसको प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन महाप्राण, महाप्राण का प्रयोग करेंगे तो इसमें वायु की ज्यादा आवश्यकता होती है। अल्प प्राण और महाप्राण को जब एक साथ बोलते हैं तब पता चलता है, जैसे इसमें बोल के देखेंगे हम क ग ङ, नहीं पता चल रहा कि श्वास ज्यादा नहीं चल रही है, अच्छे से पता चल रहा है हमें। ख घ, इसमें पता चल रहा है कि हमको श्वास की अधिक आवश्यकता है। छ झ ठ ढ थ ध फ भ, तो इसमें वायु अधिक प्रयोग की जा रही है, तो इसलिए महाप्राण है। अल्प प्राण, इसमें वायु कम प्रयुक्त की जा रही है। इस तरह से विवार, श्वास, अघोष जो वर्ण होंगे, इनको तीसरा तरीका, एक तरीका है आप खर प्रत्याहार और हश प्रत्याहार याद कर लीजिए, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष याद हो जाएंगे। दूसरा तरीका वर्ग के ये याद कर लो कि प्रथम द्वितीय विवार श्वास घोष कहलाते हैं, बाद बाकी जो तीन बचे तृतीय चतुर्थ पंचम पूर्ण संवार नाद घोष कहलाते हैं, तीसरा तरीका। चौथा तरीका है, आपको इन दोनों को याद करने में दिक्कत आ रही है, इन सब को याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी एक को याद कर लें, जैसे विवार श्वास और अघोष को याद कर लें तो ये अपने आप से याद हो जाएंगे। जो अक्षर, जो वर्ण विवार श्वास और अघोष में होंगे वो कभी भी संवार नाद घोष में सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे ही इसमें है, जो अल्प प्राण में प्रयोग किए जाएंगे वो महाप्राण में कभी भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। ये चौथा तरीका है। प्रथम इस तरह से याद कर लेंगे प्रत्याहारों के जरिए, बहुत ही सरल तरीका है। यदि प्रत्याहार यदि आपको आते हैं तो ये 1 मिनट में याद हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा तरीका मैंने बताया था वर्ग के हिसाब से, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। चौथा तरीका, कोई एक हिस्सा याद कर लो, दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं बाह्य प्रयत्नों के बारे में, पूरी हमने यहाँ जानकारी देने की कोशिश की है, परंतु यदि आपको कहीं कोई भी कोई समस्या रहती है थोड़ी भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसके हम जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।